अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4 दे एड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स। देखिये बेटा, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, जैसे 5, 6 एंड 7 दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना, 9, 10 और 11 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, 15, 16 और 17 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो इसी तरह 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है लेकिन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। जैसे हमने 5 लिखा, फिर 6 और आखिर में 7 सबसे बड़ा है। यहां पर 9 छोटा है, 10 उससे बड़ा है, 11 सबसे बड़ा है, 15 छोटा है, 16 उससे बड़ा है, 17 सबसे बड़ा है। तो इसी तरह 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हम सबसे छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उससे बड़ा नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सबसे बड़ा है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां जो रिजल्ट आएगा, जैसे यहां पर है 10, 18 और 28, अगर इनको ऐड कर दें देन क्वेश्चन सेज दैट दिस सम इज इक्वल टू 74। फाइंड द नंबर्स। तो हमें ये नंबर्स निकालने। सो आई सपोज द नंबर्स आर, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और एक्स, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। अब क्वेश्चन कहता है जो एक्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको सम कर देंगे, वहां निकलता है 74। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x बनेगा, एक्स प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3 टाइम्स x प्लस 1, और x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए ये बनेगा 4 टाइम्स x प्लस 2 एंड दिस सम इज इक्वल टू 74। ठीक है, दिस इंप्लाइज, देखिए 2x ऐसे रह दिए प्लस यहां मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू x हो गए 3x, 3 इंटू 1 इज 3 और यहां पर होगा 4 इंटू x इज 4x प्लस 4 इंटू 2 इज 8 इज इक्वल टू 74। और दिस इंप्लाइज 2x और 3x हो गए 5x, 5x प्लस 4x हो गए 9x, सो 9x प्लस 3 प्लस 8 हो गई 11, सो 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74। देखिए बन गई लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। यहां से हम इस 11 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, सो वी गेट 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। ठीक है, और दिस इंप्लाइज 9x इज इक्वल टू 74 में से 11 करेंगे सब्ट्रैक्ट, 4 माइनस 1 इज 3 एंड 7 माइनस 1 इज 6, सो 9x इज इक्वल टू 63। तो बेटा x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 63 डिवाइड बाई 9, 9 1 आर 9, 9 7 आर 63, तो x का वैल्यू आएगा 7। सो देयरफॉर नंबर्स क्या आएंगे, देयरफॉर द नंबर्स आर, देखिए हमने नंबर्स क्या रखे थे, पहला नंबर हमने तो रखा x और x का वैल्यू आ गया 7, दूसरा क्या रखा था हमने x प्लस 1 उसका वैल्यू आएगा 7 प्लस 1 दैट इज कॉल्ड 8, और तीसरा नंबर हमने रखा था x प्लस 2 तो x का वैल्यू देंगे 7, 7 प्लस 2 इज 9, नंबर्स ऑफ 7, 8 और 9। अब देखिए अगर आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
अब इसको वेरीफाई करेंगे अपने रिजल्ट को, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बनेगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 24 बनेगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 36 बनेगा। अब इनको ऐड करिए, 6 प्लस 4 इज 10 प्लस 4 इज 14, कैरी आ गए 1, 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 1 इज 6 और कैरी 1 हो गए 7। तो इनका सम कितना बन गया 74, लिहाजा जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो है 7, 8 और 9। देन इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, द एज ऑफ साहिल एंड अनवर और इन द रेशियो 5:7, साहिल और अनवर है उनके एजेस का रेशियो है 5:7, 4 years later the sum of their ages will be 56 years, आज से 4 साल बाद उनके एजेस का सम कितना होगा 56 ईयर, तो हमें बताना उनकी प्रेजेंट एज कितनी। देखिए बेटा, हम सपोज करेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ साहिल एंड अनवर, सपोज उनकी जो प्रेजेंट एजेस है साहिल और अनवर की इज इक्वल्ड 5x एंड 7x। क्यों लिया 5x और 7x? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि इनकी एजेस का जो रेशियो है वो है 5x और 7x। देन क्वेश्चन सेज दैट कि 4 साल के बाद अगर हम इनके एजेस का सम करेंगे वो सम बनेगा 56, तो हम देखेंगे 4 साल के बाद इनकी एज कितनी होगी। एज ऑफ साहिल आफ्टर 4 इयर्स, देखिए बेटा साहिल की एज आज 5x है, तो 4 साल के बाद उसकी एज होगी 5x प्लस 4 इयर्स। जैसे अगर आप में से किसी की एज आज 9 साल है तो 4 साल के बाद आपकी एज होगी 9 प्लस 4 दैट इज 13 इयर्स। तो इसी तरह जो साहिल है उसकी मौजूदा एज 5x इयर्स है और 4 साल के बाद होगी 5x प्लस 4। इसी तरह एज ऑफ अनवर, अनवर की एज आज कितनी है 7x इयर्स, तो 4 साल के बाद होगी 7x प्लस 4 इयर्स। अब क्या क्वेश्चन कहता है कि अगर आप इन एजेस का सम कर देंगे जो 4 साल के बाद इनकी एजेस है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 4 साल के बाद जो इनकी एज है यानी 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4, इनका सम बनता है 56। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। देखिए इनका ऐड करेंगे, 5x और 7x हो गए 7 और 5 हो गए 12, 12x प्लस 4 और 4 का ऐड कर देंगे 4 प्लस 4 इज 8 इज इक्वल 56। तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस 8 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 12x इज इक्वल 56 माइनस 8, और दिस इंप्लाइज 12x इज इक्वल 56 में से 8 सब्ट्रैक्ट करिए, यहां से 16 बनेगा, 16 माइनस 8 इज 8 और ये रहेगा 4। सो 12x इज इक्वल 4, यहां से हम निकालेंगे x का वैल्यू, सो देयरफॉर x इज इक्वल, देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 48 डिवाइडेड बाई 12 4 48, तो x का वैल्यू आएगा 4। लिहाजा साहिल की एज कितनी होगी, साहिल की एज हमने रखी है 5x, है ना, तो देयरफॉर साहिल इज प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल वो हमने कितनी रखी थी 5x इयर्स, दैट इज इक्वल 5 इनटू वैल्यू ऑफ x इज 4, 5 4 20 इयर्स। तो साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो होगी 20 years, ठीक है ना, और अनवर की प्रेजेंट एज हमने रखी है 7x, प्रेजेंट एज ऑफ अनवर, प्रेजेंट एज ऑफ
एनवर वो हमने रखी थी 7x years, दैट इज कॉल्ड 7 into x का वैल्यू क्या निकला 4, 7, 4 are 28। तो बेटा लिहाजा जो साहिल है उसकी प्रेजेंट एज होगी 20 years और अनवर की प्रेजेंट एज होगी 28 years। देन इज क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। देखिए बेटा एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स एक साथ पढ़ती है और क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है दैट इज 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। तो जो बॉयज की तादाद है वो गर्ल्स की तादाद से 8 ज्यादा है, तो हमें बताना इस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, उस क्लास में कितने बच्चे कुल पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5। सो वी सपोज दैट लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x क्योंकि रेशियो है 7:5। तो हम सपोज करेंगे इस क्लास में बॉयज की तादाद 7x है एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x। अब क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ऑल्सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 8 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। जो बॉयज की तादाद है वो गर्ल्स की तादाद से 8 ज्यादा है और दिस इंप्लाइज, देखिए बेटा नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज है 7x। सो 7x इज इक्वल टू 8 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x। तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहां से आप इस 5x को ट्रांसपोज करिए, वी विल गेट 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो 7x में से 5x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7x में से 5x करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, वो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 8 और x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। 8/2 कितने हो गए 4। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ, तो बेटा फिर इस क्लास में बॉयज की तादाद कितनी होगी, वो हमने रखा है 7x दैट इज इक्वल 7 into x का वैल्यू निकला 4, 7 4s are 20। तो बॉयज की तादाद कितनी होगी 20 और गर्ल्स की हमने रखा है 5x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की तादाद हमने रखी है 5x दैट इज 5 into value of x is 4, 5 4s are 20। ठीक है, सो देयरफॉर और हेंस स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, हेंस स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, तो इस क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज कितनी है 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 28 प्लस 20, 20 प्लस 28 इज इक्वल टू 48। तो इस क्लास में कुल 48 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया, कल हम मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। वस्सलाम।